दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है। तो ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले उन लोगों को थैंक्स कहने के लिए जिनके सपोर्ट और मोटिवेशन से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। साथ ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि कितने दिन बाद मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ और आप लोगों के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अंशुल और आप देख रहे हैं ए स्क्वायर टेक्निकल। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं अपने पेरेंट्स को और फैमिली मेंबर्स को जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट और मोटिवेट किया। इसके बाद मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूं अपने दोस्तों को जिन्होंने ना सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि मेरे चैनल को काफी ज्यादा प्रमोट भी किया। इसके बाद स्पेशल थैंक्स टू माई स्टूडेंट्स, जी हाँ, मेरे स्टूडेंट्स ने हमेशा मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प की है। थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर क्योंकि इनका सपोर्ट और प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। अगर इसी तरह आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हो सकता है हमारा चैनल भी एक दिन बड़े चैनल्स में काउंट होने लगे। फाइनली बात करते हैं मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, तो आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं 29 सितंबर को हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में गया था और जैसा कि YouTube प्रॉमिस करता है कि ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर आपका मोनेटाइजेशन रिव्यू होके कंप्लीट हो जाएगा या इनेबल हो जाएगा अगर आपके चैनल में सब कुछ सही है, तो 26 दिन बाद 26 अक्टूबर 2018 को मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया। मींस टोटल 26 दिन लगे मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के लिए। इसी तरह आप भी एक महीने के अंदर अपना मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आपके वीडियोस में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे चैनल के वीडियोज़ देखते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम वीडियोज़ मेरे फेस स्कैम वाले वीडियोज़ हैं और कोई भी कॉपीराइट मटेरियल मैंने यूज़ नहीं किया है, ना कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है, ना कोई कम्युनिटी स्ट्राइक है और कोई भी कॉपीराइट मटेरियल जैसे कुछ सॉन्ग्स हो गए, वीडियोज़ हो गए या किसी भी प्रकार की इमेज हो गई मैंने अपने चैनल में यूज़ नहीं की है। इवन जो मैं अपने चैनल में सॉन्ग्स भी यूज़ करता हूँ वो भी YouTube कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स है। यार बहुत सारी वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स अवेलेबल है YouTube पे, फिर भी पता नहीं क्यों आप नए जमाने के कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स को अपने वीडियोस में इंक्लूड कर लेते हैं जिसके कारण या तो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है या वो वीडियो वर्ल्ड वाइड बैन हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आप भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं एक महीने के अंदर। लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से YouTube में आपके चैनल को रिव्यू नहीं कर पाया है विद इन वन मंथ, तो ध्यान रखिएगा जिनका 3 महीने 4 महीने 6 महीने से पेंडिंग है, तो YouTube ने अपनी कम्युनिटी में ये अनाउंस किया हुआ है कि दिसंबर 2018 के पहले पहले उन सारे चैनल का रिजल्ट आ जाएगा कि उनके वीडियोस मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे। फाइनली अपनी जर्नी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 2017 में मैंने वीडियोस अपलोड करना चालू किया था। वैसे आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको ज्वाइन डेट 2011 दिखाएगी। जी हाँ, एक्चुअली उस समय मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया था और बाय मिस्टेक कह सकते हैं या नॉलेज नहीं था मैंने चैनल क्रिएट कर दिया था, हालांकि कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए थे। 2017 से मैंने वीडियोस अपलोड करना चालू किया और उस समय मेरे वीडियोस को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। आप मेरा सबसे पहला वीडियो देख सकते हैं जहां पे चाइनीज और ग्लोबल रोम का कंपैरिजन था। उस समय 100 सब्सक्राइबर भी नहीं लेकिन उस वीडियो को 20,000 से ज्यादा लोगों ने देखा था। उसके बाद मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड करे और एवरेज व्यूअर्स पर वीडियो 2,000 या 3,000 से भी ज्यादा था। लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे यूट्यूब के कैरियर से थोड़ा सा हटना पड़ा क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा था आईआईटी से। यार आईआईटी के बारे में आपको पता होगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा होती है, तो आईआईटी से पीएचडी करने के कारण मैं 1 साल यूट्यूब से दूर रहा और जैसे ही मैंने अपनी थीसिस सबमिट कर दी उसके बाद से कंटिन्यूअसली मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। 3 महीने के अंदर ही मैंने 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 29 सितंबर 2018 को रिव्यू में गया था और 26 दिन बाद मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। तो ये थी कंप्लीट जर्नी मेरे चैनल ए स्क्वायर टेक्निकल के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। साथ ही मेरे सारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहे। आशा करता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी ए स्क्वायर टेक्निकल के नए वीडियो में। नमस्कार।